चलिए तो आज लेके आए बहनी हम कढ़ी बड़ी। तो कढ़ी बड़ी बनाए खातिर पहले बड़ी के हम बेसन खोल ले। तो बड़ी की बेसन खाती आप लोग जितना बड़ी बनावल चाहते हैं उतना बेसन ले ली। अच्छा से एकरा के एगो घोल तैयार करी। घोल कैसन तैयार करे के बा जैसन रुआ पेस्ट रहेला वो तरीका से जैसे ब्रश करेला तो पेस्ट निकलेगा वो तरीका से घोल तैयार करे के बा। घोल ऐसा तैयार करे कि जो में फुटका फुटका रहेला वो अच्छा से मिक्स हो जाए और बहुत ज़्यादा फेटे के पड़ेगा। एक में कुछ डाल के फेटे के नहीं एक खाली पानी डाल के अच्छा से वो पेस्ट तैयार करी ताकि हमें गोला अच्छा से टूट जाए और बेसन आराम से फेटा जाए। बेसन के पूरा फेट लेने से बाद चलिए तो देखिए ऐसे तरीका के पेस्ट घोल ले लेंगे। देखिए एकदम ये पेस्ट के समान बा। एक में गोला ना होके चाहिए बेसन के। अगर दाल के बनाओ तो अलग बात हुआ। दाल के पीस के आराम से फेंक के एकरा के रख लेंगे। एक 10 मिनट तक ले हम क्या करम कि ढक के बराबर रख दें हम फेंट के। चलिए तो 10 से 15 मिनट हो गई एकरा के देखिए। देखिए तो हमारा अच्छा से फिटल गए है। थोड़ा सा उठ गई कि एक में डाल दी हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर एकरा के अब थोड़ा सा और फेंट दिए थोड़ा सा ज़्यादा ना कहीं कि पहले हमने के ज़्यादा फेंट दिले बनी जा। अब एकरा के थोड़ा सा फेंट दिया है। अब एकरा के बनावे के तैयारी करे तो नहीं तो एकरा में नमक फेंट दिया हो। बनावे के थोड़ा सा देर पहले ही नमक डाली। पहले फेटे भेजी नमक नीचे डाले के बड़ी में ना तो बड़ी बैठ जाला। अब एकरा में हल्का सा नमक डाल के ज़्यादा नीचे फेटे के ना तो बड़ी बैठ गई। अब एकरा के अच्छा से बेसन के मिक्स कर ली। अब चलिए अब एकरा के बड़ी बना लिया। बड़ी बनाए के पहले गर्म पानी हम कर लेता नहीं कहे कि बड़ी के गर्म पानी में डालना से कहो कि बड़ी उठ जाए। देखिए उन्हें सहाय भर हमारे गर्म पानी हो गई है। अब एकरा के हम उतार रहे हैं। अब बड़ी चले खाती तेल बैठा दे। चलिए तो तेल अच्छा से गर्म हो गया। अब एकरा में छोटा छोटा हम जितना साइज के बड़ी चाहिए ओकरा के बड़ी बना लेवे के बाद कंडीशन ज्यादा अप्लाई कर दिया। चलिए तो बड़ी देखिए एक तरफ पलट देवे के बाद इस तरीका से एक तरफ हो जाए तो सब बड़ी के फिर दे तरीका से बड़ी के एकदम हल्का लाल लाल करके बना लेवे के बाकी जब कढ़ी में जाए ना तो वो उजला ना होके लाल लाल तनी कर दे अच्छा से पक जाए तो वो आराम से कढ़ी में डला सका था। तो ये तरीका से घुमा घुमा के कम आँच करके मीडियम आँच करके कम ना मीडियम ज़्यादा तेज ना आ ज़्यादा कम ना मीडियम के फ्लेम कर दे हम आराम से एक पलट पलट के एक गुलिया गुलिया के पका ले हम। चलिए तो बड़ी हमारे हो गए बाबी जो गर्म पानी के ले रही कि सब बड़ी ओकरा में डाल लेवे के बाद बड़ी के ऐसे का हो कि वह बड़ी के पानी में डाल दें हम सुसुम पानी में एकदम गर्म ना होके के चाहिए सुसुम पानी इस तरीका से डाल दें हम कि अच्छा से खिल जाना। चलिए अब कढ़ी बैठा बनाए खाती हम कढ़ाई बैठा दे बनी जिस चीज़ में बनाई पतीला में भी वो आराम से बना सका तनी। ये में डाल दें हम तेल तेल सरसों तेल डाल दी चाहे कोई भी तेल खाएगा तेल डाल दी हूँ और तेल के अच्छा से एकरा के गर्म होके दे हम तब तक कढ़ी के घोल कढ़ी बनाए खाती हम बेसन के डाल देता नहीं जैमे हम बड़ी बने ले रही वही में बेसन घोल लेता नहीं ऐसे कहो कि इधर उधर बर्तन भी ना हो आराम से आसानी से दुबा चल रही उन्हें घुला दे। अब चलिए हम माठा रख ले बनी लस्सी रुआ भी माठा लस्सी नहीं खे तो रुआ दही के भी पानी डाल के आराम से घोल सकत रही यही में इस चीज़ से हम घोल दें अच्छा सा एगो घोल तैयार करम। दही से घोल तैयार कर लेला से दही में दही अच्छा से पक जाला। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एको बड़ा सा जितना कढ़ी बनाए के बाद उतना पानी डालम और बेसन तो वही अंदाज से डालम कि जब कढ़ी अच्छा से घुल जाए। अब एकरा में हम डाल दे हम सब मसाला थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर फिर लाल मिर्च पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला पाउडर हल्का सा गरम मसाला पाउडर और फिर हल्दी पाउडर सब मसाला डाल के अच्छा से रखे फेंक लिए हम। ये मसालेदार कढ़ी बड़ी है रोग चाहिए देख रखे मसाला ना हो डाल सकता नहीं रोग ऐसे भी बना रहे हैं। अगर मसालेदार बने तो सब मसाला डाल के अच्छा से मिक्स कर ली तो ये हमारे तैयार हो गए। अब चली कढ़ाई में एक रखे छोंक दिया। चलिए तो कढ़ाई पहले से हम बैठा दे बनी तेल हमारा अच्छा से गर्म हो गए होके तो ओकरा खातिर हम ले बनी फोड़न जैसे ये ले बनी हम हींग एक चुटकी हींग बा फिर आधा चम्मच हम पचफोड़न फिर राई सरसों और फिर लाल मिर्च
और वो चाहे तो लाल मिर्च की जगह नाम भी डाल सकता है। तो चलिए सबके हम डाल के कड़का लिए अच्छा से। चलिए तो सब हमारा तड़का कड़क गया, अब मैं डाल रहा हूँ करी पत्ता। करी पत्ता थोड़ा सा ज़्यादा करी पानी कैसे का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा एक तरह से, आप कुछ फायदा भी दे देना करी पत्ता। अब एक में डाल दे हम बेसन और थोड़ा सा ये पानी में धो के डाल दिया। जो पानी कम लगे तो ऊपर से और डाल देंगे। कढ़ी पाके भर इसमें पानी डाल देने के बाद अब एक के बराबर चलाते हुए पकाई, न तो कहूँ कि कढ़ी के फट जाए। आज जो मीडियम आंच पे एक ही आंच पे रोगा पाके के कम बेसी नहीं करे के, एक ही तरफ से इस तरीके से घुमावत घुमावत कढ़ी के जब तक ले कढ़ी में कण ना हो जाए तब तक ले घुमावत घुमावत पका लेवे के बाद। पकाने के समय हमें डालते हैं हम स्वाद अनुसार नमक। नमक डालला से कहो कि अच्छा से कढ़ी पक जाए, दही कढ़ी एक ही साथ छोंक दे हम कोई चीज तो कढ़ी में बहुत आराम से पक जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब एक तरह चला चला ठंडा कढ़ी के कण बनाने के बाद चलिए तो देखिए कढ़ी हम के आराम से कढ़ी में कण भी हो गई बा और कढ़ी आराम से पक भी गई बा। जब खोले लगे दो तीन बार तो समझ जाए कि कढ़ी राउर पक गई, इस तरीका से खोले लगेला तब पक जाना दो तीन बार। अब ये ना कि खोले लगा लो में डाल दी, अब जो हम बड़ी बनैले रहनिया पानी में डाल के उस साथ में एक हम डाल दे हम ताकि तीन से चार पाँच मिनट एक में पकाए। ऐसे कहो कि बड़ी में जो रहेला ना रस वो घुस जाए कढ़ी के। चलिए तो कढ़ी बड़ी बन के हमने के ये रेडी हो गए, देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा से तैयार हो गया। तो इसी तरीका से हम कढ़ी बड़ी बनाए तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बने और अब बड़ी भी जो बा इस तरीके से खिलल खिलल रही। तो चलिए अब हमारी पाक गई बा, कढ़ी बड़ी अच्छा से बन गई बा। अब एक रखे हम बन करते ले चलते निकाले की ओर चलते। देखिए कढ़ी बड़ी हमने के बन के रेडी हो गई, अरे वह चावल रोटी हर एक चीज़ के साथ आराम से खा सकता नहीं और बच्चा के भी आराम से खिला सकता नहीं। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार कढ़ी बड़ी होला कि हमने के तरफ में इसी तरीके से बनाओ जला। तो कमेंट करके बताएं कि हमारे रेसिपी लोगों को कैसा लागल। तो फिर आई एक नया रेसिपी के और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारी रेसिपी देखे खातिर वह सुनने के बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।